जसप्रीत बुमराह आज न सिर्फ T20 बल्कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भी भारत के मुख्य तेज गेंदबाज हैं और बुमराह ने पिछले एक साल में खुद को स्थापित कर लिया है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह की कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है? असल में जसप्रीत बुमराह कभी भी भ्रम में नहीं रहते। बुमराह अति आत्मविश्वास का शिकार बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें अपनी ताकत और कमजोरियों का बिल्कुल सटीक अंदाजा है और इस एक मूल मंत्र के साथ वो मैदान में उतरते हैं और कामयाबी उनके कदम चूमती है। अपनी ताकत को और मजबूत करते जा रहे हैं, साथ ही साथ अपनी कमजोरियों को दूर करने को लेकर वो मेहनत कर रहे हैं। उनमें सीखने की जबरदस्त क्षमता है। अलग अलग फॉर्मेट और अलग अलग पिच पर किस तरह की गेंदबाजी असरदार होगी, ये बात को वो हर रोज सीखते हैं। यही वजह है कि तीनों फॉर्मेट में वो इस वक्त टीम इंडिया के सबसे जबरदस्त गेंदबाज हैं। वनडे क्रिकेट में तो वो इन दिनों ICC रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। वहीं नंबर 2 और 3 पर स्पिन गेंदबाज काबिज हैं। हाल के दिनों में टीम इंडिया जब जब जीती है उसमें जसप्रीत बुमराह का योगदान अहम रहा है। T20 से पहले भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी। वनडे सीरीज के शुरुआती मैचों में जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया गया था। पहले वनडे में वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 322 रन बनाए थे, जबकि दूसरे वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 322 का लक्ष्य दिया था। वेस्टइंडीज की टीम ने एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ 321 रन बना भी लिए थे और वो मैच टाई हो गया। इसके बाद सीरीज के बाकी बचे मैचों के लिए जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को वापस लाया गया। विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट को समझ आ गया कि इन दोनों के बगैर फिलहाल टीम का काम चलने वाला नहीं है और इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की। बुमराह ने मैदान पर वापसी करते हुए 10 ओवर में 35 रन देकर 4 विकेट लिए और वनडे सीरीज में कुल 6 विकेट झटके। यही नहीं, T20 मैचों में भी जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। बुमराह का गेंदबाजी एक्शन अलग है। वो स्लिंग आर्म से गेंदबाजी करते हैं। उनकी लिमिटेशन ये रहती थी कि वो दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए गेंद बाहर नहीं निकाल पाते थे। उनके पास आउट स्विंग थी ही नहीं। बुमराह ने इस बात को समझा और नई तरह से तैयारी कर अपनी आर्मरी में आउट स्विंग भी लेकर आए। अब उनके खिलाफ रणनीति बनाने वाले बल्लेबाज हैरान हैं, क्योंकि बल्लेबाजों के पास अब जसप्रीत बुमराह का कोई तोड़ नहीं है। जसप्रीत बुमराह अब आउट स्विंग के साथ साथ यॉर्कर के भी माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। दिन प्रतिदिन वो ब्लॉक होल को हिट करने में महारत हासिल करते जा रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपने शॉर्ट गेंदों पर भी जबरदस्त मेहनत की है। उनके शॉर्ट पिच गेंद की एक्यूरेसी जबरदस्त है, जिसे बल्लेबाज के लिए खेलना लगभग नामुमकिन है। तो इस सीरीज में शॉर्ट पिच से उन्होंने काफी कामयाबी पाई है। तो कुल मिलाकर जसप्रीत बुमराह कंप्लीट पैकेज हैं। उनकी सफलता का राज ये है कि वो खुद सबसे कड़ी मेहनत करते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं। यकीन मानिए, बुमराह अगले 10 साल में भारत के सबसे सफल तेज गेंदबाज होंगे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।